लोगों ने किया था कैंसर पेशेंट बच्चों के साथ, ये दूसरा एडिशन है और इस एडिशन को करना चाहती थी मैं कुछ अलग ढंग से, जिसमें मैं चाहती थी कि कैंसर पेशेंट बच्चों के साथ मैं ट्राइबल वुमेन को भी चलाऊँ, सेक्स वर्कर वुमेन को भी चलाऊँ, एसिक अटैक वुमेन को भी चलाऊँ, ट्रांसजेंडर को भी चलाऊँ और ओल्ड एज को भी चलाऊँ। इस सबको प्लान करने के पीछे यही था कि कल नवरात्रि, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएँ। नारी शक्ति को आप कैसे आगे ले जाएंगे, नारी शक्ति के लिए रिस्पेक्ट, एम्प्लॉयमेंट ये कैसे आएगा? हम एक शो करते हैं, उसमें कैंसर के लिए करते हैं, ऐसे का अटैक के लिए करते हैं, पर उसके लिए बाद में काम नहीं करते हैं। इस शो को करने का ये मकसद था कि अब हमें मिलकर इन कम्युनिटी पे ध्यान देना है और इनके लिए काम करना है। ये चैरिटी एक परिवार जैसी है, मेरा यही मानना है अगर आप सच पे चलते हैं और आप सच्चाई बताते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ते हैं। आप अगर सच पर हैं, सच्चाई पर हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आप साफ दिल से काम करते हैं बगैर अपने नाम को ऊपर करते हुए तो आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आज मेरा यही मकसद है कि जितनी औरतें हैं, हम लोग ट्राइबल औरतों के लिए भी काम कर रहे हैं, सेक्स वर्कर के लिए भी काम कर रहे हैं, तो मेरा यही चाहना है कि हम सब मिलकर औरतों को नीचे ना खींचे, उनको ऊपर ले जाएं। मैं सब औरतों को, महिलाओं को मिलकर एक ही चीज़ कहती हूँ कि महिलाओं को एक दूसरे को नीचे ना खींचो, ऊपर उठाओ। और आज जितने सेलिब्रिटी आए उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं हमारे गवर्नर साहब का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो पहली बार ऐसे कोई शो का हिस्सा बने। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये कॉज बहुत नोबल था, बहुत अलग था, जिसमें महिला को सशक्त करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने इस कॉज को किया। इसमें चलाने का यही रीज़न था कि आप सब इसको, इनको देखें और इनकी मदद करें और हमारे साथ जुड़कर काम करें। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, जिस मौके पर, जिस आपने यहाँ पर लेके आया है आपने इस इवेंट को, इस कोशिश की और बढ़ जाती है कि डे बाय डे पर ईयर इसे और अच्छा करना है और इसे इम्प्रूवमेंट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, दर्शन आती क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं घटती है। सोशल वर्क में जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती है, और जिम्मेदारियां ऐसे बढ़ती हैं कि आपको बहुत साफ काम करना है और सच पे काम करना है। तो मेरी जिम्मेदारी तो आज इस शो के बाद और बढ़ गई कि जब मैं नेक्स्ट पिलर ऑफ ह्यूमैनिटी करूँ, तब तक मैं ये बता सकूँ कि मैंने जिन औरतों को आज चलाया उनके लिए सबने मिलकर कुछ ना कुछ किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ मेरे ख्याल से। मैंने आज तक जितने भी फैशन शोज़ या अवार्ड शोज़ अटेंड किए हैं ना, अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा हॉट वार्मिंग लगती है मुझे तो वो ये है, बिकॉज मैं एक्चुअली अपने इमोशंस कंटेन नहीं कर पाती हूँ। व्हेन आई सी दीज सर्वाइवर्स, दीज एसिड अटैक विक्टिम्स, व्हेन आई लुक एट देम, दे आर सो यंग, दे आर सो प्रिटी एज मी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट व्हाट ऑल दे मस्ट हैव गॉन थ्रू। सपनों पे गिव अप कर देना या ना गिव अप करना या उस पर कंटिन्यू करना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, एंड आई कुड नॉट hold myself when I saw old people, because I love my parents and I don't live with them and I cannot imagine, मतलब मेरे लिए इतना difficult है ये comprehend करना कि कोई अपने parents को इतनी vulnerable stage पर कैसे छोड़ सकता है। So for me that was the most difficult moment and I think I am motivated to do something for them and contribute whatever I can in whatever ways to make them a little happier and better. And the best part was to see the happiness. I mean, ये ऐसे moments बहुत rare होते होंगे इनकी life में जहाँ उनको इतना celebrated feel होता होगा, and it's so wonderful to see them happy. I'm very happy to be here. You know, तुम बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने walk किया? I mean, they are inspiring in so many ways. मुझे ऐसा लगता है हमारे पास सब कुछ है, and then we sometimes get negative and we worry about so many things, and when you look at these kids they give you life again, they tell you that there's nothing to worry about. If they are not worried, they are dealing with so many things, then who are we to complain about anything? Hamare paas baaki koi reason nahi hai shikayat karne ka. I mean, we shouldn't be allowed to be negative at any given point. Thank you so much.
इसके अलावा अनवेसी जी, क्या कुछ पाइपलाइन में आने वाला है आपका एंड एक्साइटेड होती है अपने आप? हाँ जी, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने सॉन्ग को लेकर के, दैट्स माई ओरिजिनल सॉन्ग जिसको मैंने प्रोड्यूस भी किया हुआ है एंड वो बहुत जल्द रिलीज भी होगा एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ यू टू सी इट. Rama Ravan Duty ke baad there is another film, Martin, that is coming in South. That's an action film and I'm playing gangster. So I'm looking forward for you to see me in a new avatar. Great. Thank you so much and good luck. To have an association with them. And also this is a noble cause, to acha laga yahan ke walk karke acid attack walon ke saath, to acha laga. जो लोग मेरे साथ फोटोग्राफ ले रहे थे, जितने भी सर्वाइवर्स हैं, तो एक्चुअली वो यही कह रहे थे कि वो कितने खुश हैं मुझे मिलके. बट आई थिंक आई एम मोर हैप्पी. और सबके साथ मैंने फ़ोटो खिंचाई, बात की, हंसी मजाक किया, थोड़ी मौज मस्ती की, थोड़ा डांस किया, तो अच्छा लगा. बैक से बहुत मस्ती कर रहे थे हम लोग. और वो इम्पोर्टेंटली, मैं लास्ट टाइम जुड़ा था तो बी विद बेटी के साथ जुड़ा था, अभी इस कॉज के साथ जुड़ा हूँ. सो आई फील इट्स वेरी नाइस यार, अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून मिला है आज मुझे. फिलहाल तो मैं अमेजोन की एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ जो मेरी रिलीज पे है, वो एम एक्स प्लेयर की इनविजिबल वुमन है. सो रियली एक्साइटेड हूँ. पहले तो नमस्कार, मैं हूँ स्मृति सिन्हा और मैं सबसे पहले निदर्शना जी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना प्लान किया और सब कुछ वो एक्चुअली करती आई हैं बहुत लंबे समय से. और सिर्फ पिछले साल से ही मैं उनके साथ जुड़ पाई हूँ और पिलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी को मैं हमेशा से सपोर्ट करती आई हूँ जब से जुड़ी हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और पिछली बार जैसे हम लोगों ने कोविड के टाइम पे किया था तो बहुत कम लोग आ पाए थे, बट इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि अलग अलग कैटेगरीज से भी लोग आए हैं. और कभी उनको देख कर के मन में वो दुख तो होता है कि दीज पीपल हैव सफर्ड सो मच, लेकिन हम उनको उनके लिए थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंट देकर, उनको थोड़ी सी खुशी देकर, उनके साथ खड़े होकर, उनको एक इक्वल दर्जा देकर ये चीज़ दिखा सकते हैं कि हाँ हम उनके साथ हैं. आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को देखा, बच्चों को देखा, वॉक को देखा, स्पॉट्स को देखा, इतना नोबल कॉज है और मैम ने इतना खूबसूरत तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया है और इनके बीच रहना इतना ऑनर की बात है. सच ए ह्यूज ऑनर टू बी पार्ट ऑफ बीइंग विद देम एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड हमें खुशी हो रही है आकर यहाँ, बहुत खुशी हो रही है. एक्चुअली इट्स एन ऑनर टू बी अमंगस्ट देम एंड हमने ऑडियंस के लिए रैम्प ऑफ किया है एज शो स्टॉपर एंड इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी एंड इन सब के बीच में रहकर इतना अच्छा लग रहा था. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर्स. मैं एक बार बता दूं कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं पार्क फ्रेंड्स, दे ऑल आर 50+, 60+ और जो मेरी कम, सो बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर एंड बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. मोहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज के लिए बहुत खुश हुए सबके लिए, देखते लेके ब्यूटीफुल फंक्शन. मैं अरुण यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर हैविंग अस, बहुत ही नोबल कॉज था और बहुत खुशी हो रही है एंड सच एन ऑनर टू बी हियर, सच एन ऑनर टू बी हियर अमंगस्ट देम. थैंक यू सो मच अरुण. थैंक यू अरुण. एक
काफ़ी कॉज के लिए वॉक करना और यहाँ पर मौजूद रहना, ये अवेयरनेस को आगे बढ़ाना इट्स सो इम्पॉर्टेंट। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया गया है, ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा होना, आई एम रियली हैप्पी एंड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टू बी हियर। अधिक मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी अवेयरनेस को और आगे बनाना बहुत ज़रूरी है और ऐसे इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम सबको सपोर्ट करें, खासकर स्पेशली सेक्स वर्कर्स, द ट्राइबल वर्कर्स, द ओल्ड एज होम पीपल। मैंने काफ़ी सारे लोगों को बैक स्टेज इंटरेक्ट किया है और जो उनकी एक स्वीट सी स्माइल है उनके चेहरे पर, उनका जो एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से वो बहुत ही इनोसेंस लेकर यहाँ पर आए हैं, हमसे ज़्यादा वो एक्साइटेड थे स्टेज पे वॉक करने के लिए। तो उनके साथ यू नो एसोसिएट करना और आगे बढ़ना, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉज और आई थिंक आज ही नहीं हमेशा से मैं चाहूँगा कि मैं ऐसे कॉज के लिए सपोर्ट करते रहूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सलमा खान है, मैं किन्नर माये ट्रस्ट की संचालिका हूँ, लोक अदालत की पैनलिस्ट हूँ और किन्नर माये ट्रस्ट ट्रांसजेंडर्स के राइट के लिए काम करती है, उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए काम करती है, उनके मेडिकल हेल्थ के लिए काम करती है। और आज गोहानी ट्रस्ट ने जो ये कार्यक्रम रखा है, मुझे बहुत आनंद हुआ ये कार्यक्रम में आकर। और मैं निदर्शना मैम को मन से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे लिए भी इतना कुछ सोचा है और आगे भी उन्होंने हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए स्किल्स के लिए ब्यूटी पार्लर वगैरह अरेंज किया है, कम्युनिटी किचन अरेंज किया है, कोविड में उन्होंने हमें बहुत सारा राशन का मदद किया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत मन से धन्यवाद करती हूँ। और नारी शक्ति की जय, भारत माता की जय, नमस्कार, जय हिंद।